नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 11 अगस्त। कल के सेशन में हमने नेचुरल गैस को छोड़कर मोटामोटी सभी कमोडिटीज में हमने अच्छी तेजी देखी। बेस मेटल में भी हमने एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, जबकि लेड और निकल में थोड़ा दबाव था। जिस ढंग से चाइना से हमने देखा कि जो डेटा पॉइंट आए हैं फैक्ट्री के, वो काफी अच्छे आए, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। सोने चांदी में डॉलर में तेजी है, उसके बावजूद हमने तेजी आते हुए देखी बिकॉज ऑफ यूएस एंड चाइना के बीच में जो तनाव बना हुआ है, और साथ में कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बट हायर साइड पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत अच्छे से ड्यू है, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में भी हमने बड़ा फॉल देखा था, कल हमने रेंज बाउंड ट्रेड देखा, बट हमें लगता है अगले 2-3 सेशन में एक बड़ी गिरावट के लिए मार्केट तैयार है। क्रूड ऑयल में हमने देखा जिस ढंग से सऊदी के अरामको ने अपडेट दिया है कि इकोनॉमी अब पटरी पे आ रही है और डिमांड इंप्रूव हो रहा, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट क्रूड में मिलता हुआ दिखाई दिया। बट हमने पहले भी देखा 40 से लेकर $44 के बीच में ही WTI ट्रेड कर रहा है, तो अनलेस एंड अंटिल 3200-3220 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी फिर से हम 3100 की तरफ आ सकते हैं। नेचुरल गैस में देखिए 172 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर हम समझते हैं कि प्रोडक्शन में काफी ज्यादा हैम्पर रहेगा, जो प्राइसेस को 190 तक का भी लेवल ले जाएगा। बट अनलेस एंड अंटिल 172 का लेवल तोड़ता नहीं है, पॉसिबिलिटी हम वापस 160 और 160 का लेवल तोड़ने पे हम करीबन 156 तक का भी लेवल देख सकते हैं। आज की ओपनिंग इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए तो पॉजिटिव दिखा रहा है, इंटरनेशनल में करीबन 1% की तेजी है, जिसके चलते आज नेचुरल गैस में तेजी हो सकती है। पर ध्यान रखिए 64-65 का रेंज काफी अच्छा है, इस रेंज में हमें बेचना ही है। 60 का लेवल तोड़ने के बाद एक फ्री फॉल रहेगा, अदरवाइज अगर ये 66 के ऊपर निकलता तो फिर से 70 का दौर लगाएगा। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं 70 से लेकर 60 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और मेजर तेजी जो रहेगी वो 72 के ऊपर रहेगी। कॉपर में रिकवरी जरूर है, बट ध्यान रखिए जब तक 512 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, ट्रेंड पॉसिबिलिटी नीचे के ही है। वैसे ही जिंक में 190 के नीचे ट्रेंड वीक रहेगा। लेड में एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है प्राइसेस में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। निकल भी 1120 के नीचे काउंटर वीक रहेगा। वहीं इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आज सोने और चांदी में दोनों में ही दबाव है, जिसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आज के सेशन में हम देख पाएंगे। डॉलर टर्म्स की अगर बात करें तो गोल्ड $2000 तक का सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जबकि चांदी $27.5 तक के लेवल दिखा सकती है। साथ में हाजिर मार्केट में मांग नहीं होने की वजह से MCX में डिलीवरी काफी ज्यादा लग सकती है, जिसके चलते MCX में एक दबाव ज्यादा बैठ सकता है। वहीं WTI क्रूड ऑयल हमने ऑलरेडी बताया 40 से 44 के बीच में ट्रेड करेगा। वहीं नेचुरल गैस $2 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो $2.5 तक ओवरऑल टारगेट दिखाया। वीक्स इंडेक्स में गिरावट है, जिसके चलते आज इक्विटी मार्केट में एक अच्छी खासी रैली दिखाई दे रहा है, बट साथ में यूएस और चाइना के बीच में तनाव है, वो ध्यान रखिए ट्रेड कीजिए। डॉलर इंडेक्स भी 93 के ऊपर अच्छा जरूर है, बट 94 के ऊपर जाना काफी इंपॉर्टेंट है, वो जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। LME पे थिंग्स आर बीइंग स्लाइटली पॉजिटिव फॉर द डे, बट आई थिंक हायर लेवल्स आर कैप बिकॉज ऑफ ग्लोबल डिमांड, तो हायर लेवल्स पे वापस सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो यूरो जोन से इकोनॉमी सेंटीमेंट का डेटा आना है, जो काफी खराब दिखाई दे रहा है। वहीं यूएस से भी अगर कोर PPI का डेटा है, इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, PPI डेटा है, इसमें भी इंप्रूवमेंट है, जो कहीं ना कहीं डॉलर को सपोर्ट करता है, तो शाम के सेशन में हम कमोडिटी में गिरावट देखेंगे। वहीं डॉलर इंडेक्स के चार्ट, अगर हम गोल्ड डॉलर की अगर चार्ट की बात करें तो मार्केट एक चैनल में दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं चैनल का लो करीबन 1980 तक का इनिशियल टारगेट दिखा रहा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है जब तक प्राइस 2060 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड वीक रहने की उम्मीद है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो हमने पहले भी देखा था कि मार्केट लोअर रेंज को टच किया, फिर रिकवर कर गया, फिर लोअर रेंज को टच किया। तो ध्यान रखिए 160 के नीचे या 158 का लेवल तोड़ता है तो 146 तक का लेवल दिखा देगा, अदरवाइज प्राइजेस 170 से लेकर 160 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बाकी ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर साइडवे टू नेगेटिव है। आज शाम आपके लिए हमने फंडामेंटल इंडिकेटर डेट इंपैक्ट्स कमोडिटी मार्केट, इसका एक सेशन ले रहे हैं। नीचे गए हुए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको कमोडिटी और करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।